ट्रैक्शन है जो बच्चे जानना चाहते हैं, हमारी सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती आ रही है जिसमें कि टोटल संख्या 9500 के लगभग है। और इस 9500 में करीब करीब कुछ प्लेटून कमांडर्स हैं, 100 के करीब फायर सर्विसमैन हैं और बाकी 9400 सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती है जिसमें 20% महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो हमारे जितने बच्चे मेहनती हैं सारा प्रिपेयर करते रहें। हम लोगों ने टेंडर कर दिया कार्यदायी संस्था के लिए और वो उस टेंडर का पूरा अप्रूवल के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भेजा हुआ है। फाइनेंशियल अप्रूवल भी आ गया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए गया हुआ है, शासन में जैसे ही आता है हम तैयारी कर रहे हैं। बच्चों को टाइम देंगे, एक महीने का कम से कम हम देंगे टाइम बच्चों को अप्लाई करने के लिए, बच्चे अप्लाई सकते हैं। और अभी जो टेंटेटिवली मैंने सोचा है कि मार्च में इनका एग्जाम करवाएंगे, ऑनलाइन एग्जाम, और उसके बाद दौड़ करवाएंगे, तो बच्चे तैयारी करें। और मेरे ख्याल से इतनी बड़ी सब इंस्पेक्टर रैंक के लिए भर्ती अभी तक कोई यूपी के इतिहास में नहीं आई है। टोटल कितनी भर्तियां करेंगे 2021 की अगर हम बात करें? टोटल अगर मैं बताऊं आपको तो ये भर्तियां हैं 16,629 भर्तियां, जिसमें ASI मिनिस्ट्रियल की 1329 हैं और रेडियो डिपार्टमेंट की, ये जो बच्चे बीटेक हों, डिप्लोमा किए हों, ITI किए हों इलेक्ट्रॉनिक्स, उनके लिए अच्छी खबर है कि गवर्नमेंट ने हमें अप्रूवल दिया है 2244 रेडियो ऑपरेटर्स, हेड ऑपरेटर्स एंड रेडियो डिपार्टमेंट के डिफरेंट रैंक्स में, ये टेक्निकल पोस्टें हैं इनके लिए। तो जो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह से किए हैं, बीटेक किए हैं, डिप्लोमा किए हैं, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़।